नमस्कार, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। मेरे साथ हैं श्री संदीप भट्ट सर। हम दोनों फिर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम करियर मार्गदर्शन लेकर। पिछले सप्ताह सर ने बताया था कि अगले हफ्ते हम एडवर्टाइजमेंट में रोज़गार के अवसर ऊपर बात करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आसिफ जी। तो सर, आज आप हमें एडवर्टाइजमेंट से संबंधित करियर में कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, कहाँ उसकी एजुकेशन लें, कहाँ उसके स्कोप है, कौन से उसके इंस्टीट्यूट है जहाँ से बच्चे इसके लिए शिक्षा ले सकते हैं, आप हमारे युवाओं को बताने का। जी आसिफ जी, देखिए, हम आज की दुनिया में विज्ञापनों की दुनिया, अगर आज की समय को हम कहें तो कोई गलत नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सुबह हम उठते हैं तो अपना फ़ोन चेक करते हैं, हमारे पास वहाँ स्मार्टफोन पर विज्ञापन आ जाते हैं। इंटरनेट ऑन करते ही अखबार पढ़ते हैं तो उसमें हमें विज्ञापन दिखता है, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं तो हर जगह हमें विज्ञापन दिखता है। यहाँ तक कि जब हम सड़क पर गुजर रहे होते हैं और किसी चौराहे पर रुकते हैं तो रेड लाइट पर हमें विज्ञापन होर्डिंग के रूप में लगे हुए देखते हैं जी। तो हर तरफ आपको विज्ञापन दिखता है और विज्ञापन एक सूचना और संचार का एक माध्यम है जी। तो जब विज्ञापनों की इतनी भरमार है तो निश्चित ही इस क्षेत्र में इससे जुड़े हुए बहुत सारे करियर के विकल्प भी हैं जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं जी सर। और विज्ञापन एक ऐसी संचार की प्रक्रिया है जिसमें बहुत से लोग अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं आसिफ जी। इसमें कॉपीराइटर्स होते हैं, इसमें विजुअलाइजर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, मीडिया प्लानर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं। तो विज्ञापन हमें बहुत आसान सा दिखता है, होर्डिंग लगा हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है कुछ कुछ, किस दुकान पर आए या किसी इस होटल में आए, लेकिन उस विज्ञापन को बनाने के पीछे, उस होर्डिंग को लगाने तक या अखबार में देखने, अखबार में छपवाने तक या टीवी में रिलीज करने तक बहुत से लोगों की टीम काम करती है। तो इस तरीके से विज्ञापन अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इस प्रोसेस में बहुत से लोगों की टीम मिलकर के काम करती है, टीम वर्क के रूप बिल्कुल, में बिल्कुल काम बिल्कुल होता बिल्कुल है। तो ये विज्ञापन के क्षेत्र में के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी है कि कैसा इसमें करियर हो सकता है, कहाँ लोग इसमें, नौजवान जो हमारे साथी हैं प्रोग्राम देखने वाले, वो अपने लिए करियर तलाश सकते हैं जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि विज्ञापन के क्षेत्र में अगर जैसे स्टूडेंट आना चाहते हैं तो किस क्लास के बाद वो कौन से विषय ऐसे चूज कर सकते हैं जो उनको भविष्य में इस कोर्स के लिए काम आ सकते हों। जी आसिफ जी, 1992 में एक रिपोर्ट है, मतलब हालांकि अब तो काफ़ी पुरानी हो गई है जी, लेकिन उस वक्त भी लगभग 1800 करोड़ रुपए का भारतीय विज्ञापन का बाजार था। आज अब तो लगभग 2015 में ये 3500 करोड़ से भी ज़्यादा का, 35000 करोड़ से भी ज़्यादा का बड़ा एक क्षेत्र था विज्ञापन का जी। और निरंतर ये सेक्टर ऐसा है कि इसमें ग्रोथ जो है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला एक सेक्टर है एडवर्टाइजिंग का सेक्टर, क्योंकि हर मीडिया में, मीडिया का जो रेवेन्यू आता है वो विज्ञापनों से ही आता है। तो विज्ञापन निर्माण, विज्ञापन की प्लानिंग और विज्ञापन के रिसर्च राइटिंग, तमाम सारी जगहों पर जो है ग्रोथ हमको दिखती है विज्ञापन इंडस्ट्री। फिल्मों की तरह ही, जैसे फिल्मों में जिस तरह काम होते हैं सभी फील्ड में, बिल्कुल हर तरह से उसमें रिसर्च होती है, सभी लोगों का उसमें पार्टिसिपेट होता है। अगर हम रेडियो के लिए या टीवी के लिए इसकी बात करते हैं, विज्ञापन की बात करते हैं, खास करके टेलीविजन के लिए, तो एक एक दो या डेढ़ मिनट की तो एक फिल्म ही है विज्ञापन। हालांकि डेढ़ दो मिनट का समय हमने ज्यादा कह दिया, लेकिन 10 सेकंड 20 सेकंड में पूरा खेल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा खेल 10-20 सेकंड का होता है, लेकिन उस 10-20 सेकंड के लिए काम करने में पूरे लोगों की टीम लगती है जी, महीनों काम करते हैं लोग, महीनों काम करते हैं। और मुझे याद है कि जो एक बहुत पहले एक विज्ञापन एक कंपनी का आता था जिसमें एक बच्चा था और उसके साथ एक छोटा सा डॉग पपी जो है उसका घूमता रहता है, एक किसी सेल्यूलर कंपनी का था, सेल्यूलर किसी सेल्यूलर कंपनी तो का। इतने सारे क्रिएटिव विज्ञापन बनते हैं, आप निर्मा का देखिए, और विज्ञापनों ने बहुत से उत्पादों को, बहुत से सेवाओं को उनके नाम से मतलब स्थापित कर दिया है। जैसे आप बिम्बार को देख लें, निर्मा को देख लें, कोलगेट को देख लें, मतलब प्रोडक्ट का नाम लें या ना लें, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को हमारे स्मृतियों में स्थापित करने का काम दरअसल जो है वो विज्ञापन का है। जैसे टूथपेस्ट की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि कोलगेट कर लो भाई, कोलगेट ले आओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये विज्ञापन का ही कमाल है। ये विज्ञापन के सेक्टर में आपने पूछा कि किस विषय को लें, तो कोई खास विषय की बाध्यता तो नहीं है कि आपने साइंस पढ़ के, आर्ट्स पढ़ के या कॉमर्स पढ़ के विज्ञापन में जाना है, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आप मीडिया को समझते हैं या आपको कुछ क्रिएटिव करना अच्छा लगता है, आपको डिज़ाइनिंग बनानी अच्छी लगती है या आपको विजुअल्स बनाने अच्छे लगते हैं या कॉपी लिखना, कविताएं लिखना, कैरिकेचर बनाना, तो आपके लिए विज्ञापन का क्षेत्र जो है एक सृजनात्मकता से भरा हुआ क्षेत्र है।
तो विज्ञापन में करियर की संभावना बहुत सी हो सकती है। मतलब इस कोर्स के करने के बाद इस फील्ड में जाने से आपको कहीं बोरियत भी महसूस नहीं होती है? बिल्कुल, लगातार क्रिएटिव रहना पड़ता है, लगातार काम करते रहना पड़ता है। तो सर, हमारे आसपास के इलाके में कहीं कोई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इस तरह की एजुकेशन दे रहे? बिल्कुल, खंडवा की अगर आप बात करें तो खंडवा में ही हमारा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का परिसर है, करमीर विद्यापीठ के नाम से। यहाँ पर बीए और एमए के मीडिया स्टडीज के प्रोग्राम हैं। मीडिया स्टडीज का प्रोग्राम आप कहीं से भी करें, वहाँ पर विज्ञापन आपको मतलब बदस्तूर पढ़ाया जाता है, और उसके साथ ही साथ कॉमर्स की स्ट्रीम में भी कई जगह विज्ञापन की कला का, कॉमर्स जो पढ़ते हैं विद्यार्थी, वहाँ पर भी एडवर्टाइजिंग का एक पोर्शन होता है, क्योंकि मार्केटिंग का एक हिस्सा, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक हिस्सा एडवर्टाइजिंग है। तो एडवर्टाइजिंग कॉमर्स में भी पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है, उसके साथ ही साथ सेल्स एंड मार्केटिंग में भी एडवर्टाइजिंग पढ़ाया जाता है। तो हमारे अलावा यहाँ पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, इंदौर में स्थापित कई अन्य विश्वविद्यालयों में ये कोर्स चलता है, और बीकॉम और एमकॉम के कुछ सेमेस्टर में भी विज्ञापन की यूनिट्स हमको पढ़ने को मिलती है। लेकिन आप विज्ञापन का क्षेत्र चूंकि इतना कॉम्प्लेक्स, हमने कहा कि वहाँ पर अलग अलग रोल में लोग होते हैं, तो आप क्या जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा सा इस पर भी निर्भर करती है। रोल खुद को तय करना पड़ेगा उसमें कि आप किस रोल में उसमें जाना चाहेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है आसिफ जी, विज्ञापन के क्षेत्र में कि मान लीजिए आप किसी विज्ञापन एजेंसी में काम कर रहे हैं, विज्ञापन के क्षेत्र में जब कोई युवक या युवती अपना करियर शुरू करता है तो उसके लिए ऑप्शन होता है कि वो किसी एजेंसी के साथ में जुड़े जो विज्ञापन निर्माण से जुड़ी हुई है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के इंडिया में, मतलब भारत में अपने ऑफिसेज हैं, एक से कई जगह, दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में, बैंगलोर में, इनके अपने ऑफिसेज हैं, और सैकड़ों लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो एजेंसी के भीतर जब हम काम करते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या होता है, एक क्लाइंट मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं जिनको अकाउंट प्लानर कहते हैं। अकाउंट प्लानर का विज्ञापन एजेंसी में ये काम होता है कि वो क्लाइंट को सर्विस मुहैया कराता है। आप विज्ञापन बनाने गए, आप मान लीजिए एक नमक बनाते हैं आप, तो आपको नमक का विज्ञापन बनवाना है तो किस तरीके का है, आपका बजट क्या है, ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग एजेंसी के भीतर क्लाइंट रिलेशनशिप वाले लोग देखते हैं या अकाउंट प्लानर देखते हैं। उसके बाद दूसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं क्रिएटिव वाले, उसमें क्रिएटिव में कॉपी राइटर भी होते हैं, विजुअलाइजर भी होते हैं, विजुअल आर्टिस्ट भी होते हैं। तो अगर आपको आर्ट पसंद है, आपको क्रिएटिविटी पसंद है, तो फिर आप एजेंसी के भीतर में एज ए क्रिएटिव डिज़ाइनर या राइटर आप जो है काम शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ विज्ञापन एजेंसी के भीतर ही रिसर्चर भी होते हैं कि मान लीजिए आपने फला प्रोडक्ट इस मार्केट के लिए लॉन्च करना है, तो मार्केट में उसको एक्सेप्ट करने वाले, रिजेक्ट करने वाले, अप्रिसिएट करने वाले उस प्रोडक्ट को कितने लोग हैं। तो रिसर्चर्स भी एडवर्टाइजिंग के फील्ड में, रिसर्चर्स की बहुत बड़ी डिमांड होती है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को उतारने से पहले कंपनीज बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करती है, मार्केट का मन भापना चाहती है। तो रिसर्चर भी होते हैं, उसके बाद अपने पीआर मैनेजर होते हैं जो एजेंसी की छवि को बनाने का काम करते हैं। उसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एडवर्टाइजिंग एजेंसी के भीतर एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हुआ होता है, वो होता है मीडिया प्लानर का। कि आप गए, आप मान लीजिए निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको ये विज्ञापन बनवाना है ना, तो आपका विज्ञापन किस तरह के मीडिया में ज़्यादा दिखाई देगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप किस माध्यम के जरिए पहुँच सकते हैं। तो माध्यम का चयन करने वाला मीडिया प्लानर भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के भीतर मोटे मोटे तौर पर होता ही होता है। तो कई तरह के स्कोप, कई तरह के रोल एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के भीतर हमको मिलते हैं। इसके अलावा आसिफ जी, राज्य सरकारों के, क्योंकि बहुत से युवा साथी हमारे सरकारी नौकरियों की तरफ ध्यान रखते हैं, तो सरकारों का अपना एक जनसंपर्क विभाग होता है जिसको सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी कई जगह कहते हैं। वहाँ पर भी सरकार के लिए, सरकार के विज्ञापन बनाने वाले या आईईसी सेल के लोग होते हैं जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन सेल में काम करते हैं और विज्ञापनों का निर्माण करते हैं। तो विज्ञापन से जब हम जुड़ते हैं, विज्ञापन में करियर को तलाशते हैं, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के भीतर और एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बाहर हमारे लिए करियर के कई स्कोप हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि इसके अलावा आपके पास एज ए फ्रीलांस करने का भी बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि आप अपनी एजेंसी खोलकर भी काम कर सकते हैं, अपनी एजेंसी खोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि एक छोटा सा क्रिएटिव बुटीक टाइप का अपना खोल लेते हैं, और वहीं से अगर किसी बंबई में बैठी हुई या मुंबई में बैठी हुई किसी एजेंसी को कुछ स्लोगन लिखवाना है, तो खंडवा में बैठ करके भी कोई आदमी अपना क्रिएटिव बुटीक चला रहा है तो वो कॉपी राइट उसके लिए कर सकता है और कॉपी या विजुअल बना सकता है। तो एज ए फ्रीलांस भी एडवर्टाइजिंग के फील्ड में बहुत से अवसर हैं आसिफ जी। जैसे कोरोना के बाद में जो स्थितियां निर्मित हुई, ज़्यादातर लोग अपने घर में परिवार के साथ में रहकर काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अवसर हैं। बिल्कुल, विज्ञापन के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी ये है कि आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको लगातार इस तरह की वेबसाइट्स देखते रहना पड़ेगा जहाँ पर
ऐसे विज्ञापन निकलते हैं और इनकी डिमांड्स होती है। देखिए कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे एजेंसी फैक्ट्स है जी, एक्सचेंज फॉर मीडिया है, pitch.com है, अगर आप इन पे जाएंगे तो आपको हजारों हजार एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की मतलब ओग्लीवेन माथर जैसी इंटरनेशनल एजेंसी, JWT, क्रेयॉन्स, रेड डिफ्यूजन, ग्रे वर्ल्ड वाइड, उसके बाद में हमारी डेंसू है, बहुत सारी विज्ञापन एजेंसियों के, इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली, रीजनल लेवल पर काम करने वाली, क्योंकि कुछ एड एजेंसीज ऐसी होती हैं आसिफ जी कि वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज सेक्टर में ही सर्विसेज देती हैं जी, जी। जैसे कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ आउटडोर मार्केटिंग का काम करती हैं, ये होर्डिंग्स बैनर्स जो लगते हैं, वॉल राइटिंग्स वगैरह लगती हैं, तो इस तरह की स्पेशलाइज सर्विस वाली एजेंसी भी होती हैं। तो आपको अगर एजेंसीज में या एजेंसीज के बाहर काम करना है एडवर्टाइजिंग के सेक्टर में, तो थोड़ा सा इस तरह की वेबसाइट को आप देखें, इसके बारे में पढ़ें, तो आपको और डिटेल में इसके बारे में जानकारियाँ मिल सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है आसिफ जी। विज्ञापनों का एक थोड़ा सा सस्ता रास्ता भी आया है जो सोशल मीडिया के ऊपर विज्ञापन चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हालांकि गूगल भी मतलब बहुत सस्ते दरों पर बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन लगातार कर रहा है। यूट्यूब है, यूट्यूब पर इस तरह के विज्ञापन आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी जाने का कोई रास्ता बनता है हमारे युवाओं को। आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइजिंग की जो आवश्यकता है वो थोड़ा सा अलग किस्म की भी है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आपका जो दर्शक है वो बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पर देख रहा है। घर में जब हम टीवी सेट के सामने टीवी देख रहे हैं तो 5-7 लोगों का परिवार बैठ करके टीवी देख रहा है, वहाँ पर विज्ञापन देखने वाला अलग है दर्शक या श्रोता, लेकिन मोबाइल पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल का है, तो वहाँ के लिए विज्ञापन की स्ट्रेटजी बनाने वाले यानी रणनीति का वो थोड़ा अलग किस्म की समझ वाले को चाहिए। तो डिजिटल में एडवर्टाइजिंग के लोगों की भी बहुत डिमांड बढ़ रही है, तो वो भी एक नया सेक्टर अपने आप में उभर करके आया है आसिफ जी। एक और बात जानना चाहेंगे सर हम कि कौन कौन से कोर्स किए जा सकते हैं या कहां पर इस तरह के कोर्स चल रहे हैं जिसमें कि हमारे जो युवा हैं वो उसमें भाग लेकर के बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आसिफ जी, इसमें एडवर्टाइजिंग के फील्ड में अगर किसी युवा साथी को अपना करियर बनाना है तो वो डिप्लोमा प्रोग्राम से लेकर के उस पर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री और रिसर्च तक के प्रोग्राम कर सकता है जी। फाइन आर्ट्स में कोई डिप्लोमा या डिग्री यदि कोई विद्यार्थी करता है तो उसके बाद में उसके पास में एडवर्टाइजिंग के फील्ड के आर्ट्स वाले जुड़े हुए काम यानी विजुअल या ग्राफिक डिज़ाइनर वाले काम उसके पास में हो सकते हैं, वहाँ विजुअलाइजेशन के सेक्टर में काम कर सकता है। कोई व्यक्ति यदि मास मीडिया का या मीडिया स्टडीज़ का, बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा कि अब तो स्पेशलाइज एडवर्टाइजिंग का डिप्लोमा भी बिल्कुल अलग तरीके से होता है और बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं जो एडवर्टाइजिंग में, जैसे माइका है हमारा, MCU है, उसके अलावा AMC दिल्ली है, उसके अलावा आपका जामिया है, टाटा इंस्टीट्यूट है, DAB इंदौर है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन देश के हैं। और विजुअल कम्युनिकेशन में NID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो विजुअल कम्युनिकेशन के, एडवर्टाइजिंग के या डिज़ाइनिंग के इस तरह के कोर्सेज मुहैया कराते हैं। और डिग्री लेवल से लेकर के डिप्लोमा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के कोर्स, यहाँ तक कि रिसर्च के कोर्स भी इन संस्थानों में कराए जाते हैं। तो कोई विद्यार्थी यदि चाहता है कि विज्ञापन का कोई पाठ्यक्रम उसे करना है तो 12वीं के बाद से या स्नातक के बाद से वो पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है और एडवर्टाइजिंग में जा सकता है। जैसा कि हर बार हम सभी से सवाल मंगाते हैं, प्रश्न मंगाते हैं, इस बार भी हमारे पास करीब 6 प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर आपसे चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स। पहला सवाल है सर, राशि ने भेजा है ये जी। और ये कह रही हैं विज्ञापन के क्षेत्र में विज्ञापन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दो तरह से होते हैं जी। तो उनमें डिप्लोमा कोर्स होते हैं या फिर डिग्री कोर्स, तो इनमें से हमको किसे प्रीफर करना चाहिए? देखिए, यदि आपने डिग्री पहले से ही कर ली है राशि जी, अगर आप BA कर चुकी हैं, BCOM में BSc या ग्रेजुएशन आपने कर लिया, तो आपके लिए बेहतर है कि आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री करने के बाद में फिर दोबारा से डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो अगर आपने बैचलर कर लिया तो आप PG डिप्लोमा कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग में या कोई मास्टर प्रोग्राम कर सकती हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो PG डिप्लोमा और मास्टर प्रोग्राम आपको अवेलेबल ईजिली हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं इसे। शिवानी का सवाल है सर, विज्ञापन का कोर्स करना तो है लेकिन रोजगार के अवसर कितने हैं इस समय? देखिए, रोजगार के अवसर तो विज्ञापन के क्षेत्र में बहुत हैं शिवानी, मैं आपको बताऊं। और जैसा मैंने बताया कि एजेंसी के बाहर और एजेंसी से भीतर, एजेंसी के और एजेंसी से बाहर भी बहुत से रोजगार के अवसर हैं। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि आपने नौकरी नहीं करनी है कहीं, तो आप स्वरोजगार एज ए फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट है, घर बैठे, इसकी जरूरत सिर्फ ये है कि आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए
या आपके पास छोटा सा कंप्यूटर होना चाहिए और इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, आप खंडवा में बैठकर ही एज ए फ्रीलांस काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, शायद नौकरी से ज़्यादा। लेकिन इसके लिए कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन आपको अच्छा होना चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, लगातार आपको लोगों से मतलब यहाँ भी आपकी पीआर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि आप अपना प्रचार कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहला फायदा तो यही आएगा कि आप खुद का प्रचार कर पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, अगर आप खुद का प्रचार करते हैं तो आप दुनिया भर का प्रचार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल पलक का है सर, ये कह रहे हैं विज्ञापन के कोर्स के लिए कौन कौन से संस्थान हैं, प्राइवेट और सरकारी संस्थानों में से कौन सा संस्थान ज़्यादा सही होता है? ठीक कहा आपने पलक जी। पलक आपका सवाल जो है ये, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, लगभग हर राज्य के विश्वविद्यालय हैं। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पत्रकारिता का अपने आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय है। उसके अलावा हर राज्य विश्वविद्यालय में हमारे पास रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर और इसके अलावा भी अन्य विश्वविद्यालयों में विज्ञापन के पाठ्यक्रम चलते हैं। निजी क्षेत्र के भी लगभग हर विश्वविद्यालय में और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में जो स्थित हैं, इन विश्वविद्यालयों इन संस्थानों में डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम विज्ञापन के चलाए जाते हैं। अब आपकी बात रही कि अच्छा कौन सा है, तो देखिए अच्छा और आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप कहाँ जा कर के ईजिली इस कोर्स को कर सकते हैं, किस तरह की फ़ीस आप दे सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि बहुत से इंस्टीट्यूशंस में फीस थोड़ा ज़्यादा होती है सरकारी संस्थानों की अपेक्षा, तो और उनकी फिर प्रवेश परीक्षा भी अलग अलग तरीके से प्रवेश की प्रक्रिया संस्थानों की होती है। तो आप उनकी वेबसाइट पर जा कर के चेक कर लें कि वो कब प्रवेश लेते हैं, क्या उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर है, और आजकल तो हर संस्था की फैकल्टी की डिटेल्स भी उसमें डली हुई होती है। तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से लेकर के राज्य विश्वविद्यालयों से लेकर के निजी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के ऑप्शंस इस तरह के कोर्स करने के आपके पास में हैं। पलक जी, शीतल पूछ रही हैं सर विज्ञापन से संबंधित कोर्स के लिए कितनी फीस लगती है? बिल्कुल, फीस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पिछले सवाल में भी कुछ इस तरह का सवाल तो था। देखिए 20-25 हज़ार रुपये सालाना से लेकर के आपकी फ़ीस शुरुआत होती है पीजी डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम की विज्ञापन के क्षेत्र में। अगर आप बीए करते हैं या आप जो है एमए करते हैं या पीजी डिप्लोमा करते हैं तो औसतन न्यूनतम फीस जो है 20-25 हज़ार रुपये सालाना से शुरू होती है। ये सरकारी कॉलेज से शुरू होती है, अगर ये बात हम करेंगे तो सस्ता सरकारी कॉलेज, लेकिन फैकल्टीज भी बहुत अच्छी होती है उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी संस्थानों में तो बहुत अच्छा है, वहाँ पर बहुत ध्यान भी दिया जाता है। निजी संस्थानों में भी बिल्कुल अच्छी फैकल्टीज होती हैं आसिफ जी, लेकिन हो सकता है कि कई निजी संस्थाओं में आपको थोड़ा सा फीस ज़्यादा मिले, लेकिन आपके पास स्कॉलरशिप के ऑप्शंस होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप फुल टाइम कोर्स नहीं कर सकते हैं कहीं से, तो आपके पास में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का भी एक ऑप्शन है कि आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से भी इसके पीजी डिप्लोमा। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाली जब बात आती है तो सर उसमें कई बार ये होता है कि उसको भी उतनी मान्यता देते हैं जितने रेगुलर वालों को देते हैं। बिल्कुल, मान्यता तो देखिए उसकी ये है कि शासन उन विश्वविद्यालयों को चला रहा है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के, तो मान्यता तो बिल्कुल, अगर एक विद्यार्थी रेगुलर कर रहा है, एक विद्यार्थी डिस्टेंस से कर रहा है, तो मान्यता तो दोनों की एक जैसी है। कई बार ये होता है ना कि कोई आदमी मान लिया जाए उसके पास डिग्री और डिप्लोमा नहीं है और उस फील्ड में काम कर रहा है जी, लेकिन वो पढ़ना चाहता है उसी फील्ड का, तो वो डिस्टेंस से पढ़ना उसके लिए ज़्यादा सुटेबल रहता है क्योंकि वो रेगुलर जाकर के कहीं कोर्स नहीं कर सकता है। तो इसलिए कई बार प्रोफेशनल लोग भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ते हैं, तो मान्यता का कहीं कोई सवाल नहीं, मान्यता दोनों की लगभग एक जैसी होती है जी। अगला सवाल चंचल का है सर, यदि हम विज्ञापन से संबंधित कोर्स करना चाहते हैं तो हमें क्या योग्यता होनी चाहिए? बिल्कुल, हमें क्या योग्यता होनी चाहिए? हमने कहा कि विज्ञापन का कोर्स जो है 3 स्तरों पर आपको मोटे तौर पर दिखाई देता है, एक तो स्नातक यानी ग्रेजुएशन वाला, एक पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर वाला, और एक डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम। डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम और स्नातक के लिए कई बार सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं क्या सर इसमें? सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं लेकिन वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं आसिफ जी, और जो लोग कहीं काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में उनके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो युवा साथी नए सिरे से करियर विज्ञापन में बनाना चाहते हैं मेरे ख्याल से उनके लिए डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम ज़्यादा सुटेबल होते हैं। तो डिग्री, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्स में जाने के लिए अलग अलग योग्यताएँ, डिग्री और डिप्लोमा में कई बार 12वीं के बाद आप शुरू कर सकते हैं, और जहाँ आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की बात आएगी तो वहाँ आपको ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, तब जाकर के आप पीजी एडवर्टाइजिंग के फील्ड में कर सकते हैं जी। संध्या पूछ रही है सर विज्ञापन का कोर्स करने के लिए 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? सब्जेक्ट की कोई बाध्यता नहीं है संध्या जी, आप चाहे आर्ट्स पढ़े, साइंस पढ़े या कॉमर्स पढ़े, किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़ सकते हैं विज्ञापन में आपको करियर अगर बनाना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ
रुचियां आपकी होनी जरूर चाहिए, जैसे क्रिएटिव में आपकी रुचि हो, राइटिंग में आपकी रुचि हो, आपकी रुचि कैमरा में या इसमें मैनेजमेंट में हो सकती है, हो सकता है रिसर्च में आपको नए लोगों से मिलना, नए सेक्टर को देखना अच्छा लगता है, तो इस तरह के कोई इंटरेस्ट अगर आपके हैं तो किसी भी विषय से आपने 12वीं किया हो, 11वीं किया हो, उसके बाद आप ग्रेजुएट या डिप्लोमा प्रोग्राम में एडवर्टाइजिंग के एडमिशन ले सकते हैं और करियर बना सकते हैं। तो ये थे आज के सवाल और उम्मीद है सभी लोग अपने जवाब से संतुष्ट होंगे। मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर अगले सप्ताह आप कौन सा विषय रखना चाहेंगे युवाओं से रूबरू होने के लिए? आसिफ जी, अगले सप्ताह हम जो है सिविल सर्विसेज के बारे में अपना चर्चा करेंगे। राज्य शासन के जो सिविल सर्विसेज होती हैं वहाँ पर युवा साथियों के लिए क्या करियर के अवसर हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक ऐसी मतलब सेवा है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप लोग सेवा करके अपने करियर को भी बना सकते हैं और आपको समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करने के अवसर मिलते हैं और साथ ही एक प्रतिष्ठित नौकरी भी आपके पास में होती है। बहुत से युवा, हजारों हजार लाखों युवा प्रतिवर्ष सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो सिविल सेवाओं में आपके लिए क्या अवसर हैं इस पर अपन बात करेंगे। तो ये युवाओं के लिए है, आप अपने सवाल तैयार करिए, आप सर को भेजिए, आपको उनके जवाब मिलेंगे और बेहतर जवाब मिलेंगे, आपको एक रास्ता भी मिलेगा। तो सर आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आप यहाँ पर आए, धन्यवाद। थैंक यू आसिफ जी, नमस्कार।